फुटबॉल मेरे लिए लाइफ है, मैं 24/7 उसके लिए जीता हूँ। मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया स्कूल से। स्कूल के लिए मैंने वज्रा वेलफेयर एसोसिएशन हाई स्कूल के लिए मैंने खेलना चालू किया। मैंने DSO एंड MSS से स्टार्ट किया था। वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ कोचेज नहीं थे, तो वहाँ हम लोग ही खुद प्रैक्टिस करते थे और फिर हम लोग ही टीम लेके जाते थे और फिर हम लोग वहाँ खेलना चालू किया। हम लोग सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल्स तक हम लोग पहुँचते थे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ बीच पे खेलना चालू किया। बीच पे खेल के वही जो इवनिंग का 2 घंटा मिलता था वही हम लोग खेलते थे, लेकिन उसमें भी बैड फुट खेलते थे। कभी हम लोग को जूते प्रोवाइड किया नहीं, ना फैमिली उतना सपोर्टिव था कि हेल्प कर पाए जूते के लिए। फिर स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया पता चला कि या सिलेक्शंस होते हैं, तो फिर MDFS खेलना चालू किया। फिर 2015 में मैं इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, वो है मिनी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो है फुटसल। तो वहाँ पे सिलेक्ट हुआ लेकिन मैं जा नहीं पाया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। मैं जब एज अ प्लेयर खेलता था तब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों को सिखाना, यानी कि अभी 9 से 10 साल हो गया मेरे एक्सपीरियंस को। जो बच्चे हैं वो है गरीब बच्चे हैं, उनको फुटबॉल किट रहता नहीं है उनके पास, फिर फीस प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली बहुत पुअर है वो लोग। तो ऐसा है कि हम लोग को फ्री कोचिंग करना पड़ता है, जितना भी बॉल्स है, कोन्स है, मार्कर्स है, तो उसके लिए हम लोग ही पैसा लगाते हैं। अभी तक के जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा रहा है। वो लोग जाते हैं सिलेक्शंस के लिए, कभी कभार वो लोग फेल हो जाते हैं, कभी कभार कोई कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। एक बच्चा मेरा था समीर शिंदे करके, वो सिलेक्ट हुआ था Under-12 में महाराष्ट्र टीम के लिए, बट वो भी सिलेक्ट हुआ लेकिन जा नहीं पाया, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया उसको जाने के लिए। और फिर हम लोग बहुत से टूर्नामेंट्स बच्चों को खिलाते हैं, वहाँ से हम लोग ने फाइनल्स भी बहुत विन हुआ है। अभी बच्चों के लाइफ में तो उनको एंजॉय करना है फुटबॉल, जो स्पोर्ट्स है उनको एंजॉय करना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनका एज होते जाएगा फिर उनको पता चलेगा कि हाँ इसमें भी हमारा करियर बन सकता है। जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है या प्लेयर्स है जो उनको अगर सेलेक्ट होना हो प्रोफेशनल लेवल पे, तो उनको एक मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ उनको स्टडीज़ भी वेल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसमें आपको देखो कि जितने भी कोचेज है वो लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं और जो फुटबॉल लैंग्वेज होता है वो उनको समझना पड़ेगा, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो लोग हैं हिंदी मीडियम के, मराठी मीडियम के, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा जाते हैं कि हम लोग कई वो लोग को सिलेक्शंस के लिए लेके जाते हैं, तो वो लोग डर जाते हैं कि ट्रैवलिंग एंड ऑल कैसा हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा एक दिक्कत हो जाती है उनको। इंडियन फुटबॉल आज के तारीख में ऊपर आते जा रहा है। जहाँ तक अभी सुनील छेत्री है, उसको फीफा ने रिकग्नाइज किया है 3rd टॉप स्कोरर के लिए कंट्रीज़ के लिए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों को एक मोटिवेट मिल जाता है और हम जैसे प्लेयर्स को भी और कोचेस को भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे अच्छा करें और उनके एक जो पैशन है वो उनको भी एक सपोर्ट मिल जाए उनको। थैंक यू।